फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। श्याम रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बना के बहुत ही चटपटी सी, लाजवाब सी मोटी वाली मिर्ची, जो हमने पनीर के साथ स्टफिंग की है उसकी, और बेसन के साथ। अगर सब्जियां खा करके बोर हो गए हो तो एक बार ये वाली मिर्ची ट्राई करना, एक की जगह चार रोटियां खा जाओगे, यकीन मानिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने मोटी वाली मिर्चियाँ ली हैं, अच्छे से धो के सुखा ली हैं। अब हम इनको काट के इनके बीज निकाल लेंगे। वही रोज़ रोज़ की सब्जियाँ खा करके बोर हो जाते हैं, मन नहीं करता खाने का। कुछ हट के चटपटा सा कुछ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए खाने का। ये हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। ये 4 मिर्ची हम बेसन से भरेंगे, 4 भरेंगे पनीर की स्टफिंग के साथ। ये हम 3 चम्मच के करीब बेसन है, इसको हम रोस्ट करेंगे। कच्चा ना डालें, कई लोग कच्चा डालते हैं, पर कच्चा नहीं डालें बेसन, क्योंकि जब हम मिर्ची फ्राई करते हैं तो मिर्ची के साथ में वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाता, तो कच्चा कच्चा आता है, मुँह में टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। इसलिए उसको थोड़ा सा पहले रोस्ट कर लें, धीमी आंच पे, बिल्कुल एकदम से कलर भी चेंज नहीं करना है, बस हल्की सी खुशबू आए जब तक भूनना है। ये देखिए, इसको हमने भून लिया है। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची, क्योंकि ये मिर्चियाँ तेज़ नहीं होती। ये है अमचूर पाउडर। अमचूर को स्किप ना करें, क्योंकि अमचूर ही मिर्ची की जान होती है, खट्टाई। बिना खटाई के मिर्ची अच्छी नहीं लगती है, खट्टाई है तो बिल्कुल एकदम चटाकेदार बनेगी। आप इसमें अचार का मसाला भी ऐड कर सकते हो अगर चाहो तो, पर अभी मैं नहीं कर रही हूँ उसमें। हम दूसरी वाली स्टफिंग भी तैयार करते हैं। अब डालेंगे थोड़ा सा जीरा, ये है आधा प्याज, क्योंकि मिर्ची ज़्यादा नहीं है इसलिए आधा ही प्याज लिया, बारीक सा काट लिया है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो उसमें पूरा वो पिंक कलर का नहीं करना है। ये आधा हम टमाटर डालेंगे, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें मसाले वही वाले, लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार, हल्दी पाउडर, धनिया और ये अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर थोड़ा अच्छे से ही डालना, इन सबको भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बस थोड़ा सा मसालों को सेक लेंगे। ये देखिए, अच्छे से सिक गया है मसाले। अब ये पनीर है थोड़ा सा, ये डालेंगे इसमें। ये होममेड पनीर है, हमने मलाई में से घी निकाला था तो उसी में से ये पनीर बनाया है। आगे हम इसकी वीडियो भी दे देंगे आपको, कैसे आप मलाई में से मक्खन और पनीर दोनों निकाल सकते हो। अच्छे से इसको भी कर लेंगे मिक्स। बस इसको पकाना नहीं है, अब ये बिल्कुल बनकर रेडी है। ये देखिए, सिंपल सी रेसिपी है, पर खाने में इतनी चटाकेदार लगती है, मन खुश हो जाता है खाना खा के। अब इनमें हम भरेंगे। ज़्यादा तेल हमें बेसन में भी डाल के नहीं भूनेंगे, क्योंकि जब हम मिर्ची को फ्राई करते हैं तो थोड़ा वो तेल उसमें वैसे ही चला जाता है। अगर हम बेसन में भी ज़्यादा डालेंगे तो वो फिर किचकिचा हो जाएगा। ये देखिए, हमने सारी मिर्चियाँ भर के रख ली है। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, 5 मिनट की रेसिपी है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है उसमें। और ये हमने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में फ्राई करना और भी अच्छा टेस्ट आता है, रिफाइंड में भी कर सकते हो, पर सरसों के तेल में करोगे तो मतलब अच्छी लगती है और भी ज़्यादा। अब हम इनको कम आंच पे रखेंगे, एकदम से तेज़ आंच करके पूरा तेल को गरम ना करें, नहीं तो वो एक तरफ से जल जाएंगी। हल्की हल्की आंच पे इन्हें फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी में सिक जाएंगी। अब इनको ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट तक सेक लेते हैं। ये देखिए, एक साइड से अच्छे से सिक गई हैं। अब दूसरी साइड इनको पलट देंगे। इनको किसी भी पूड़ी, पराठे, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हो, बिल्कुल बढ़िया मस्त मज़ा आ जाता है खा के। ये देखिए, दूसरी तरफ से भी ये पक चुकी है, कितनी अच्छी लग रही है, कोई जली नहीं है, अच्छे से पूरी फ्राई भी हो गई है।
और मसाला भी अच्छे से भुना हुआ था ही इनका, और थोड़ा वो तो और सिक गया है अच्छे से। अब बंद कर देंगे इसको गैस को। ये देखिए कितनी अच्छी मिर्ची बनकर तैयार हुई है। आप इसको परांठे के साथ सर्व कर सकते हो, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, आप कैसे भी खा सकते हो। जब भी इन मिर्ची को खाओगे तो सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बिल्कुल ही टेस्टी बनती है। बनाइए, खाइए, कमेंट करके हमें भी बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी, जय श्री श्याम, धन्यवाद।